खुशरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। बेटा सुन नहीं सकता था, इसीलिए लोगों के ताने सुन सुन के परेशान होकर डॉक्टर ने अपनी पत्नी और बच्चों को जहर का इंजेक्शन देके मार डाला और खुद भी सुसाइड कर ली। चलिए पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा समाज जो है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा क्रूर होता हुआ ज्यादा है, उस दौरान ही काफी बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके कारण खुद को खुद के ऊपर शर्म आती है कि समाज में क्या हम सब लोग ऐसा कभी ना कभी करते ही जरूर हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई और बच्चे का अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको इतने ज्यादा ताने मारे जाते हैं कि उसका परिवार अपराधी और दोषी महसूस करने लग जाता है। जैसे कि आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी डॉक्टर की फैमिली का मामला लेके आए हैं जो कि एक्चुअली में लोगों के तानों के कारण उन्होंने सुसाइड कर ली। ये जो पूरा मामला है वो महाराष्ट्र के मुंबई के अहमद नगर से आ रहा है, जहां पर 41 साल के डॉक्टर थोराड जो हैं वो रहते हैं। अहमद नगर में ही ये अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। उस दौरान ही इनके दो बच्चे हैं, एक 7 साल का, एक 14 साल का, एक 7 साल का और एक 16 साल का लड़का है और इनकी पत्नी है वर्षा। इस दौरान ही शनिवार को एक्चुअली में ये अपने घर में अपने दूसरे कमरे में लटके हुए पाए गए। इन्होंने फांसी लगा दी थी और दूसरे कमरे में इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चों का शव पड़ा था। ये इसका खुलासा तब हुआ जब मरीज जो कि इनके घर पे आए दवाई लेने के लिए, और उस दौरान पुलिस को सूचित किया गया कि उन्होंने तो सुसाइड कर ली है। पुलिस जब वहां पर पहुंची, तब पहुंचने के बाद छानबीन की गई, तब वहां पर एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि मेरा जो बच्चा है वो सुन नहीं सकता, लोगों के ताने सुन सुन के मैं अभी थक गया हूँ। मेरा बच्चा एक्चुअली में सुन नहीं सकता, वो अपनी तकलीफ बता नहीं सकता, पर माँ बाप होने के नाते हम उसकी तकलीफ महसूस कर सकते हैं। पहले तो वो हॉस्टल में था और क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, पहले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर लॉकडाउन के चलते हुए जब वो घर आया, जब लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि खुद डॉक्टर बाप है और बच्चे का इलाज नहीं कर सकता है, और उसकी बातें उसको इतना ज्यादा उत्पीड़ित किया जाता था, हमें बातें सुनाई जाती थी, अभी और हिम्मत नहीं है ये बात सुनने के लिए, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी और अपने पूरे परिवार की जिंदगी जो है वो खत्म कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने अपनी पत्नी से सुसाइड नोट में लिखा गया था, इसके बारे में मैंने अपनी पत्नी से जिक्र किया, पर पत्नी ने बोला कि ये सही नहीं लगता है, पर हमें यही सब चीजें करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने जो है जहर के इंजेक्शन तीनों को दिए और मैं अभी फांसी लगाने जा रहा हूँ। मेरी सुसाइड का और मेरे बच्चों से किसी का भी कोई नाता नहीं है और कोई भी हमारे सुसाइड का जिम्मेदार नहीं है, और मेरी प्रॉपर्टी जो भी होगी वो उन लोगों के लिए यूज की जाए, उन संस्थाओं को मैं भेंट करता हूँ जहाँ पर हैंडीकैप बच्चे रहते हैं और उनका इलाज किया जाए उन पैसों से। ये जो चीजें हैं वो एक्चुअली में सुसाइड नोट में लिखी गई हैं। उस दौरान ही उनका शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस का कहना ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई जो है वो सामने निकल के आएगी। आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। कभी भी किसी को भी किसी भी तरीके से ताने मत दीजिए, पता नहीं वो आपके ताने दिल और दिमाग में कहां पर ले ले और क्या कदम उठा ले। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।